नमस्कार दोस्तों, श्राद्ध की दक्षिणा, पंडित और जाट की रोचक कहानी। एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वह जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक हो जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया, बोला, पंडित जी ठीक ही कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसलिए दुखी हैं। तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब की क्या बात। पंडित जी ने अपना दाव लगाया। अगले दिन ही जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया, सोना चांदी भांडे बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इनके अलावा पिता को जो भी चीज़ें पसंद थी वे सभी कुछ लाकर जाट के सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कह दिया, तरह तरह के पकवान बना लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे, आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा, साथ में इतना सामान भी। अपने सामने आसन बिछा कर पंडित जी ने जाट को बिठा लिया, बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँ वही तुम्हें कहना है, और जैसा मैं करूँ वही तुम्हें करना होगा। जाट ने बात मान ली, दोनों आमने सामने बैठ गए, श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया, गुस्सा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना गुस्सा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आव देखा ना ताव, एक तगड़ा जाट के कनपटी पे जड़ दिया। बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ी कि एक मिनट में जाट ही जाट के होश उड़ गए। होश आने के बाद उसने अपनी बाह चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दिया। पंडित जी ने तारे नजर आने लगे। उन्हें दो मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरी तरह क्रोध में भर आए। लात घूसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितने लात लगाते उतनी लातें जाटे जाट भी खा जाता। जाट के शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूसा पड़ता उसी जगह पलटकर जाट भी घूसे भर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगा, मूर्ख से पाला पड़ गया। उन्होंने कई बार जाट को समझाया लेकिन जाट के समझ में कुछ न आया। नतीजा यह कि बात फिर बात बढ़ती गई, दोनों फिर गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते, कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर रात तक घूसे लात उठक पटक का दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना पड़ा। प्रसन्न हो जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फटे जाने का कारण जाटनी ने जानने चाहा तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध करते हुए सब कुछ हुआ। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, हाँ बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ना होता तो मेरी ये हालत होती। पंडित जी ने कोई असर नहीं रखी और मैंने भी नहीं रखी, मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया, चलो अच्छा हुआ। लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाटनी ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध में इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर धुले
कपड़े पहन लिए और एक बड़े से थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी आएंगे, श्राद्ध करके नहीं गए हैं, लौटते हुए अपने साथ कई चीज़ें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब पंडित जी घर लौट आए तो वो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो गई। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा नहीं था, दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देखकर दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुठियां तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े, सारा क्रोध उस पे झाड़ दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इस तरह दक्षिणा ली जाती है। काफी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचकर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना तो आसान है किंतु दक्षिणा देने का काम मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कैसे दक्षिणा दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक जाट और पंडित की फनी स्टोरी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी सुनने और पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी दोस्तों तो ज़रूर शेयर करें। और ऐसी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए कहानी ललिता की जुबानी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।